साइंस और टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे फैक्ट्री में यूज होने वाली बड़ी मशीनें, जिनसे कमाल की चीजें बनाई जाती हैं। बने रहें हमारे साथ इस फैक्ट्री मशीन के सफर में, क्योंकि इन्हें देखना बेहद ही मजेदार तो है ही, साथ ही इनकी मेकिंग प्रोसेस काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी रहती है। आइए करते हैं शुरू JH टेक। दोस्तों, इस फैक्ट्री में बड़े बड़े नट बोल्ट मशीनों की हेल्प से बनाए जाते हैं। पहले स्टील के सरियों को एक कटर मशीन से काटकर छोटे छोटे पीसेस बनाए जाते हैं। फिर इन पीसेस को हॉट चेम्बर में डालकर आधा गर्म कर लिया जाता है। इसके बाद एक हाइड्रोलिक प्रेस इसे दबाने का काम करती है, जिससे ये नट के रूप में बदल जाते हैं। ठंडा होने के बाद एक CNC मशीन इन्हें क्लीन करके दो तरह की शेप देती है, नीचे से पतली और ऊपर से मोटी। लास्ट में नट की चूड़ी बनाने वाली मशीन इन पर रिंग बनाने का काम करती है। स्टील वायर रोप। दोस्तों, आपने बहुत ही मोटी स्टील वायर से बनी रस्सी देखी होंगी। इन्हें बनाने के लिए पहले स्टील वायर को बड़े बड़े साइज के बॉबिन में भरा जाता है और फिर इस मशीन में इन बॉबिन को लगाया जाता है। इस मशीन में एक बार में 20 बॉबिन लग सकती हैं। इसके बाद जब ये मशीन घूमना स्टार्ट करती है तो 20 वायर आपस में ऐसे लिपट जाते हैं कि उनकी एक रस्सी बनने लगती है और फिर बड़े से रोलर व्हील पर इन्हें लपेट दिया जाता है। इनका इस्तेमाल माउंटेन केबल, चेयर लिफ्ट, ब्रिज और स्टेडियम की छत को बनाने में यूज होता है। कॉन्क्रीट पाइप मेकिंग। दोस्तों, सड़क किनारे आपने पहले से रेडी कॉन्क्रीट के पाइप तो जरूर देखे ही होंगे। इन्हें बनाने के लिए पहले स्टील के वायर से कॉन्क्रीट साइज के पाइप जितना लंबा केज तैयार किया जाता है। केज बनाने के बाद इसे सेम साइज के लोहे के फ्रेम में डाला जाता है और फिर इसमें तैयार कॉन्क्रीट मटेरियल को भर दिया जाता है और दोनों तरफ से इसके ढक्कन पर नट टाइट करके इसे बंद कर दिया जाता है और फिर इस फ्रेम को तेजी से घुमाया जाता है ताकि कंक्रीट आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इन्हें एक स्टीम चेंबर में डालकर 9 घंटों के लिए छोड़ा जाता है और फिर जब ये सूख जाते हैं तो एक वैक्यूम मशीन इन्हें निकाल लेती है। लास्ट में इन कंक्रीट पाइप पर मार्किंग करी जाती है, साथ ही किनारों पर पेंट भी। ब्रेमन मशीन। दोस्तों, इस फैक्ट्री में मशीन स्टील की बहुत ही मोटी शीट को मोड़ने के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं। सबसे पहले इन भारी भरकम स्टील की शीट को चेन लिफ्टिंग की हेल्प से उठाया जाता है इस रोलर के नीचे लाने के लिए। फिर ये रोलर शीट पर हैवी प्रेशर डालते हुए इसे लेफ्ट और राइट झुलाते हैं। आप जो स्टील शीट देख रहे हैं, यह 5 इंच मोटी है और ये रोलर प्रेशर मशीन इसे राउंड शेप देने का काम कर रही है। इस प्रोसेस में लगभग 2 से 4 घंटे लगते हैं। जब ये शीट राउंड हो जाती है तो एक वर्कर शीट का इंस्पेक्शन करता है। सब कुछ ठीक रहने पर शीट को रोलर से बाहर निकालने के लिए इसका एक गेट नीचे कर दिया जाता है और चेन लिफ्टिंग की मदद से इसे बाहर निकाल लिया जाता है। हॉट फॉर्मिंग। दोस्तों, ये काफी खतरनाक काम है जिसमें बड़े बड़े लोहे को गर्म करके डिफरेंट शेप दी जाती है। यहाँ ये वर्कर स्टील की बहुत मोटी शीट को गर्म करके मिलिट्री के टैंक के हेड को तैयार कर रहे हैं। इसके लिए वर्कर को एंटी हीट सूट और हेलमेट भी पहनना पड़ता है ताकि गर्म लोहे के इतना नजदीक होने से उन्हें कोई नुकसान ना हो। इस रेड हॉट शीट को एक बड़ी बॉल शेप की प्रेस के नीचे रखकर धीरे धीरे दबाया जाता है। और इससे बनता है मिलिट्री टैंक का अनब्रेकेबल हेड। फॉर्मैक। दोस्तों, ये काफी एडवांस मशीन है जिससे बच्चों के खिलौने, गाड़ियों के पार्ट से लेकर प्लास्टिक के बहुत सारे आइटम बनाए जाते हैं। जो भी डिजाइन चाहिए होता है इस मशीन में उसी शेप का एक मोल्ड रखना होता है और उसे गर्म करके एक प्लास्टिक की शीट से कवर कर दिया जाता है। इसके बाद गर्म हुए मोल्ड को शीट के नीचे लाया जाता है। फिर लास्ट में वैक्यूम होने के कारण वो मोल्ड का डिजाइन शीट के ऊपर आ जाता है। एक्रिलिक बेंडिंग मशीन। दोस्तों, ये मशीन बड़ी ही आसानी के साथ प्लास्टिक को बेंड कर देती है। इस मशीन में एक इंडक्शन सिस्टम लगा हुआ है जो बहुत तेजी से गर्म होता है, साथ ही इसके गैप को या साइज को चौड़ा और पतला अपने मुताबिक किया जा सकता है। इसके ऊपर प्लास्टिक शीट को रखकर
कुछ सेकंड्स वेट करने पर यह गर्म हो जाती है और फिर इसे एक कागज की तरह बेंड किया जा सकता है। इस मशीन में एक एडजस्टेबल एंगल प्लेट भी दी गई है, जिससे एंगल को सेट करके आप प्लास्टिक को मोड़ सकते हैं। हेलर मशीन। दोस्तों, ये हाईटेक सीएनसी मशीन है। ये इतना फास्ट काम करती है कि इसे वर्क करते हुए देखना ही लाजवाब है। ये मशीन किसी भी तरह की स्टील या आयरन के बार को किसी भी शेप में कटिंग करके उसमें होल बना के कोई भी डिजाइन दे सकती है। गाड़ी के इंजन की बॉडी हो या फिर किसी हैवी इक्विपमेंट की बॉडी, ये मशीन बड़ी ही सफाई के साथ उसे रेडी करती है। गैल्बर बिएगर। दोस्तों, ये मशीन बड़ी तो नहीं है, लेकिन इसका काम बेहद ही बड़ा है। इससे 10 mm से लेकर 150 mm मोटे स्टील या आयरन को बेंड किया जा सकता है। जिस शेप में स्टील को बेंड करना है, उसका मोल्ड मशीन के किनारे पर लगे होल्डर पर लगाना है और फिर स्टील के टुकड़े को उस मोल्ड के आगे रखना है, जिसके बाद एक हाइड्रोलिक प्रेशर हैंड स्टील को प्रेस करके आगे ढकेलता है, जिससे यह उसी शेप में ढल जाता है। इसी तरह से मोल्ड चेंज करके अलग अलग डिजाइन तैयार करे जाते हैं। ब्रॉननेबर्ग। दोस्तों, ये बहुत ही कमाल की मशीन मोटे मोटे कॉपर वायर को उसके मजबूत कवर से निकालने का काम करती है। केवल एक तरफ से वायर को डालना होता है और दूसरी तरफ से यह मशीन वायर और रबर को अलग कर देती है। जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग टूटती है तो वहाँ से कॉपर वायर निकलती है, या फिर जो खराब हो चुकी होती है उन्हें यहाँ पर लाया जाता है और इस मशीन की हेल्प से कॉपर को अलग कर लिया जाता है। दोस्तों, ये है एक ताकतवर मैग्नेट, जिसे स्क्रैप वर्ल्ड में लोहे को एक जगह से दूसरी जगह डंप करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। दोस्तों, ये फ्लेम थ्रोइंग मशीन इतनी ज्यादा फोर्स से आग की एक लेजर बना देती है कि बड़ा आयरन शीट का एक रोल तक इससे कटने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।